नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आज मैं आपको बताऊंगा कि हम पुराने बिल्स में GST नंबर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम जाएंगे सेटिंग में, सिस्टम सेटअप के अंदर, और यहाँ पे हम टाइप करेंगे चेंज GST। चेंज GST के बाद ये वाला ऑप्शन रहता है हमारा GSTN VAT नंबर चेंज। इसके अंदर जाएंगे हम, और जैसे हमारे पास कोई बिल है, सपोज ये कोई बिल है, तो इसमें हमारा ओल्ड GST नंबर जो है ये डला हुआ है, जो कि हमारा गलत है, तो हम उसको चेंज करना चाहते हैं। तो ये हमारा ओल्ड फील्ड रहती है जो इस टाइम डला हुआ है या नहीं डला हुआ है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे ऐड करने जा रहे हैं, ये हमारा ओल्ड है और ये वाला न्यू, तो इसको हम कर लेते हैं यहाँ से कॉपी। कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे आप कंपनी का नाम देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, XYZ कोई कंपनी है, और इसका एड्रेस आप कुछ भी दे सकते हैं, सिटीज कोई दे सकते हैं, और रीजन में आप रॉन्ग GST ये हमने डाल दिया है, अप्रूव्ड बाय में कुछ भी डाल सकते हैं। और इससे करेंगे हम यहाँ से सेव, और ये देखिए आपका जो है GST नंबर चेंज हो चुका है। तो एक बार ये चेक कर लेते हैं, ये हमारा चेंज हुआ या नहीं। ये हमारा 1 तारीख का बिल था, बिल नंबर 2 एंटर करेंगे, और ये देखिए ये हमारा GST नंबर जो है वो चेंज हो गया है। तो इस तरह से हम GST नंबर और कंपनी का एड्रेस वगैरह यहाँ से चेंज कर सकते हैं।